तो साथियों नमस्कार, जिंदाबाद आप सभी को। कैसे हैं सब? आप सब अच्छे होंगे। आज उदयपुर के इस गोवर्धन विलास नाके पर देखिए रश्मिक चौपाल लगाई गई है। पीछे आप मेरे देख सकते हैं मैडम, लाली मैडम सभी मजदूरों का नामांकन कर रही है। कितने मजदूर यहाँ पे आते हैं, किस तरीके का काम करते हैं, वो सारा जो है आकलन। और इसके साथ साथ श्रमिक कार्ड और ई श्रमिक कैसे बने उसके बारे में भी आज हमारे राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक पुनीत गौतम जी आए, स्वयं उन्होंने जानकारी दी। लगातार मजदूर भाइयों को जो है जानकारी दी जा रही है। कोशिश कर रहे हैं कि मजदूरों को ज़्यादा से ज़्यादा ई श्रमिक का लाभ मिले, प्रधानमंत्री मानधन योजना का लाभ मिले, अटल पेंशन का लाभ मिले और इनको श्रमिक कार्ड भी बने। श्रमिक कार्ड में कुछ इनका रुकावट है क्योंकि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले हमारे ये निर्माण श्रमिक सारे के सारे हैं। इनका काम बदल जाता है, रोज कमठाने काम बदल जाते हैं, रोज ठेकेदार बदल जाते हैं, रोज मालिक बदल जाते हैं। तो ये बड़ी एक समस्या है। इसमें असंगठित क्षेत्र के काम करने वाले श्रमिकों की पहचान जो है वो करना मुश्किल हो जाता है। ये देखिए बड़ी संख्या में गाँव से आते हैं। और सुबह कितने बजे आते हो? 7 बजे। कभी 7 बजे कोई घर से निकलता है, कोई 8 बजे निकलता है, कोई दूर दराज से है तो कोई 9 बजे निकलता है, 4 बजे सुबह 4 बजे निकलते हैं। और देखिए यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ पहुँचने के बाद भी कभी काम मिलता है, कभी काम मिलता ही नहीं है। ऐसे में असंगठित क्षेत्र वाले काम करने वाले निर्माण श्रमिकों के लिए यहाँ शहरी नरेगा योजना भी चलाई गई है और लेकिन उसमें महिलाओं को ज़्यादा जो है प्राथमिकता दी है। और उसमें 256 रुपये में कैसे काम करें? हो जाए रेट भी नहीं बढ़ती है। हाँ रेट भी नहीं बढ़ रही है। ये बहुत सारी छोटी छोटी समस्या है, सरकार को उसको ध्यान देना चाहिए। तो इनको अगर 9 बजे तक काम नहीं मिलता है या 10 बजे तक काम नहीं मिलता है तो इनके लिए काम की विशेष पैकेज की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि ये अपना 500 रुपये का रोजगार करके घर जा सके आराम से। तो ये देखिए हमारे सारे श्रमिक भाई हैं, सभी का पंजीयन किया जा रहा है और आज ये श्रमिक चौपाल लगाकर यहाँ मजदूरों को जानकारी दी है। और हमारे देखिए रेखा मैडम आराम से पंजीयन कर रहे हैं सभी का, मजदूरों का ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरों का डेटा कलेक्ट किया जा रहा है ताकि ये ई श्रमिक कार्ड बनाए। तो आइए साथियों सब मिलकर हम मजदूर भाइयों के लिए, विकास के लिए, इनके हित के लिए हम थोड़ा सा प्रयास करें। और ये देखिए हमारे पेंटर साहब खड़े हैं, हमारे दिवाली कैसे हो? श्रमिक कार्ड नहीं बनवाया? बढ़िया, देखो श्रमिक कार्ड बना लिया है। ई श्रमिक कार्ड बना बाकी है, वो भी बनवा देना ठीक है। नाम लिखवाया? हाँ नाम लिखवाना। ई श्रमिक कार्ड मैडम ये देखो बना हुआ है इनका। अरे इनका बना हुआ है, इनका हाल लिखना है, ये नंबर ही डाल देना इनका। ये मित्र पे बना लेते हैं, ये श्रमिक कार्ड बनाना, श्रमिक कार्ड का हाँ वो बनवा देना ठीक है। देखिए कुछ जागरूक मजदूर है और भाई है वो ये यो क्यों कार्ड है अपना कार्ड बनवा दिया है जो ई श्रमिक कार्ड है जो आपने बनवा ई मित्र ने बना दिया ना। हाँ तुरंत बैंक डायरी आधार कार्ड और फोन नंबर ले जाओ, आपको तुरंत बना के देगा वो। हाथों हाथ ऑनलाइन कराना ना, ऑनलाइन ही हो ये जैसे ऑनलाइन हो गया।